हम लोग बात कर रहे थे कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कहानी, कि कैसे क्या आया था यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेस। तो हम लोग अभी तक सिर्फ ये देखे थे कि अगर हम लोग को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखा जाए और हम लोग को थियोरिटिकल वैल्यू देखा जाए तो दोनों हम लोग को सेम होता नहीं था। वहाँ पे इसीलिए नहीं होता था क्योंकि वहाँ पे हम लोग जानते थे कि सॉल्यूट पार्टिकल के जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल रहता है उसी पे हम लोग को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। अगर सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या बढ़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा, अगर उसका संख्या घटेगा तो वो भी हम लोग को क्या होगा, घटेगा। फिर हम लोग देखें कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाता है, मतलब हम लोग काउंट करते थे एगो लेकिन हो जाता था दो तीन गो हो जाता था, उसी तरह से वहाँ पे जाने के बाद एसोसिएट भी हो जाता है, कहने का मतलब वहाँ पे जाने के बाद उन लोग क्या होता है आपस में जुड़ जाता है। तो ये सब कहानी वहाँ पे होने लगा था, ठीक है। तो उसी की वजह से क्योंकि वहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हम लोग को क्या हो जा रहा, बढ़ और घट जा रहा था, इस वजह से उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी क्या हो गया, घट और बढ़ गया। और हम लोग एक चीज़ तो देखे कि हम लोग मोलर मास निकालते थे सॉल्यूट का, निकालते थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार, तो वहाँ से जो भी हम लोग को मोलर मास निकालते थे वो हम लोग को कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन मिलता था, सही वहाँ से कैलकुलेशन नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू था वही तो गलत आ रहा था, तो वहाँ से मोलर मास भी जो हम लोग निकाले थे वो भी क्या आएगा, हम लोग को गलत आएगा। तो उसके बेसिस से तो हम लोग यहाँ पर जो एबनॉर्मल मोलर मास है इसी के बेसिस से हम लोग को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सुधारा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उसके लिए देखा था कि वो फैक्टर आया जिसको बोलते थे वांट्स ऑफ फैक्टर, कि वांट्स ऑफ फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ओर तो वो हम लोग का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या फिर एबनॉर्मल मोलर मास ये सब निकालता है, ये सब के लिए हम लोग कब सही हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे, तो उसके लिए कुछ कुछ हम लोग को कंडीशन है, ठीक है। जैसे अभी धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज के फॉर्म में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर समझाते जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो एबनॉर्मल मोलर मास यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम लोग जो भी मोलर मास निकालते थे, जैसे हम लोग मान के चलो इसका NaCl का, क्या चीज़ लेते थे हम लोग, NaCl का, या फिर NaCl के जगह में अगर तुम लिखोगे तो चलो NaOH लिख लेते हैं। इसका जैसे मोलर मास हम लोग लेकर के चलते थे 40, कितना लेकर चलते थे 40। लेकिन अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग निकालते थे, जैसे हम लोग तो जान रहे हैं इतना कि इसका क्या होता है 40 होता है, चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग को डिसोसिएट होगा, क्या होगा हम लोग को डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएट होने के बाद क्या होगा हम लोग को Na प्लस में टूटेगा और किस में टूटेगा OH माइनस में, कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग का पार्टिकल्स की संख्या क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में कैसा रिलेशन है, तो तुम लोग को लिखाया गया था, जैसे हम लोग देखते थे यहाँ पे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ भी यहाँ पे हम लोग ले लेते थे तो इज इक्वल टू, और यहाँ पर देखता था नंबर ऑफ मोल्स को जैसे हम लोग तोड़ता था तो वहाँ पे देखता था नीचे तुम्हारा क्या आता था, मोलर वेट आता था सॉल्यूट का, क्या लिखते थे यहाँ पे हम लोग मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, अरे इसी तरह कहानी आता था। तो हम लोग क्या करते थे, इसको इधर लाते थे और इसको नीचे लाते थे, तो एक तरह से बोलो तो ये दोनों के बीच में रिलेशन कैसा रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका मोलर मास क्या होगा, घटेगा। अगर हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर घटेगा तो मोलर मास क्या होता है, हम लोग को बढ़ता है। तो यहाँ पर हम लोग को हो क्या रहा है, जैसे डिसोसिएट वगैरह यहाँ पे कहानी हम लोग चल रहा है, क्या चीज़ हम लोग कर रहे थे डिसोसिएट वगैरह, जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ये हम लोग को डिसोसिएट वगैरह कुछ करता नहीं तो इसका जो मोलर मास हम लोग जानते हैं 40 होता है, तो वही हम लोग लेकर के चलते थे, जो कि अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे उसके अनुसार वही कहानी था। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे एबनॉर्मल वाला होने लगा कहानी, जैसे कभी पता चला कि जितने भी हम लोग मॉलिक्यूल्स होता है उन लोग डिसोसिएट करता है एसोसिएट करता है, तो यहाँ पे होता क्या है, मान के चलिए डिसोसिएट हुआ, अरे डिसोसिएट हुआ ना, तो डिसोसिएट होने के बाद हो सकता है इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, हम लोग को बढ़ोतरी होगा, होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा था, तो इसका नंबर अगर बढ़ेगा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर यदि उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम बढ़ाओगे तो उसका मोलर मास में क्या होगा, क्या सेम रहेगा, नहीं, इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, हम लोग को चेंज हो जाएगा उसका भी, मतलब मोलर मास हम लोग को क्या हो जाता है, कम जाता है। तो जो NaOH का हम लोग निकालते थे 40, ये 40 ना होकर के अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार अगर निकालने जाओगे तो तुम्हारा मिलेगा शायद 38 भी मिल सकता है, 37 मिल सकता है, 36 मिल सकता है, कुछ भी मिलेगा, लेकिन जो हम लोग नॉर्मली जो ले करके चलते थे वैसा हम लोग को मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो ये कब हम लोग सही तरीका से मिलेगा, आखिर हम लोग को चाहिए तो एक्सपेरिमेंटल वाला वैल्यू, क्या इसको मान के चलेंगे, नहीं इसको लेकर के चलेंगे, क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली अनुसार जब हम लोग क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार निकालते हैं मोलर मास तो वो क्या निकलता है, कम निकल रहा है कि बेसी निकल रहा है, ये चीज़ हम लोग क्या देखेंगे उसमें देखेंगे। तो ये सब निकालने के लिए हम लोग को कुछ कुछ क्या है, कंडीशन हम लोग को दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले समझो क्या लिखा हुआ है एबनॉर्मल मोलर मास में, टू गेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी
फुलफिल। जैसे अभी तुम लोग को पता चल गया ना कि जो हम लोग पहले निकालते थे मोलर मास वो एक्यूरेट निकालते थे, नहीं निकालते थे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल के अनुसार देखे तो वहाँ पे डिसोसिएट हो जाता था, एसोसिएट हो जाता था, तो ये सब कहानी होता था। तो हम लोग जो निकालते थे वैल्यू वो हम लोग नॉर्मली जो हम लोग जानते थे वही निकालते थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली के अनुसार देखा गया क्योंकि वहाँ पे डिसोसिएट हो जा रहा था, एसोसिएट हो जा रहा था, तो उसका मोलर मास में भी क्या हो रहा था, चेंज आ रहा था। तो हम लोग चेंज वाला कितना चेंज हुआ या फिर कितना उसका एक्यूरेट वैल्यू है वो हम लोग निकालते थे क्या? नहीं निकालते थे। तो उसको निकालने के लिए हम लोग को क्या हुआ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम लोग निकालेंगे उसका अगर एक्यूरेट वैल्यू निकालना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग को कुछ कुछ कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल होना पड़ेगा। तो उस कंडीशन पर उसका एक्यूरेट वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। अब उस क्या कंडीशन है उसके बारे में देखो, फर्स्ट में क्या लिखा गया, द सोल्यूशन शुड बी डायल्यूट। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए हम लोग को, डाइल्यूट होना चाहिए। कहने का मतलब वहाँ पे सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा तुम्हारा, ज़्यादा रहेगा, सॉल्यूट क्या रहेगा, कम रहेगा, उसी को तो हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द सॉल्यूशन यूज्ड फॉर मेजरिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मस्ट बी डाइल्यूट। इन द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन द पार्टिकल्स बिगिन टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर विच मे कॉज द वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। सिंस द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एनी फैक्टर विच डिस्टर्ब द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉजेस एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इससे समझने से पहले एक चीज़ और तुम लोग को समझा लेते हैं, ठीक है, तब तुम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे कंसनट्रेटेड का बात क्यों कर रहा है, डायल्यूटेड का बात क्यों कर रहा है। तो देखो यहाँ पर तुम लोग थोड़ा सा खाली फील करना, ठीक है। मान के चलो हम लोग सेम कंटेनर लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग सेम कंटेनर, क्या क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या यहाँ पे क्या है तुम्हारा, सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या मान के चलो चार मोल है, कितना यहाँ पर चार मोल है, यहाँ पर भी हम लोग लेकर के चलते हैं चार मोल, कितना लेकर चलते हैं चार मोल, क्लियर है। एक कंडीशन इसमें हम लोग लेकर चल रहे हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, क्या लेकर के चल रहे हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, और इसमें हम लेकर चल रहे हैं डायल्यूटेड सॉल्यूशन, क्या चीज लेकर चल रहे हैं डायल्यूटेड सॉल्यूशन। अच्छा डायल्यूटेड सॉल्यूशन कब बनेगा, जब इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा मिला दे, वही ना पॉसिबल है। अगर यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल को अगर हम लोग ज़्यादा मिला देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कम मिलाएंगे, तो ये हम लोग कम रहेगा, तो यहाँ पे इस कंडीशन पे बोलेंगे कि यहाँ पे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है और इसमें क्या बोलेंगे हम लोग डायल्यूटेड सॉल्यूशन। अब देखो कंसनट्रेटेड होगा तो वहाँ पर कहानी चेंज हो जाता है, और अगर हम लोग डायल्यूटेड की बात करते हैं तो वहाँ पर भी कहानी कुछ और हो जाएगा। देखो होता है क्या, सबसे पहले देखो तुम्हारा इसमें भी तो तुम्हारा सॉलिड पार्टिकल दिखाई देगा, क्या चलेगा सॉलिड पार्टिकल यहाँ पर भी दिखाई देगा, क्योंकि देख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग को कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो उस बेसिस से तुम समझ सकते हैं चार मोल है तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो बहुत नज़दीक नज़दीक होंगे। अरे होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम है, और कम है तो यह जो सॉल्यूट है ज़्यादा दूर दूर में होगा क्या, नहीं होगा, इन लोग तो सामने सामने होगा। लेकिन यहाँ पे डायल्यूटेड सॉल्यूशन का कंडीशन में देखता है तो सॉल्यूट क्या होगा, दूर दूर होगा, क्यों, सॉल्यूट तो उतना ही है लेकिन पानी तुम्हारा क्या हो जाएगा ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट तुम्हारा क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा, अगर ज़्यादा रहेगा तो उन लोग के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा, जैसे ये यहाँ है तो हो सकता है यहाँ रहेगा यहाँ रहेगा यहाँ रहेगा ऐसे करके, लेकिन चूंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम है तो उन लोग नज़दीक नज़दीक थोड़ा रहेगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या, जब हम लोग को कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का कंडीशन लोगे तो वहाँ पर होता क्या है कि इन लोग के बीच में सामने सामने होने की वजह से हो सकता है उन लोग आपस में इंटरेक्ट कर दे, अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स रहता है तो उन लोग आपस में टक्कर भी करते रहता है, अरे करते रहता है, तो उन लोग अगर टक्कर करते रहेगा तो वहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, मान के चलो ये दोनों के बीच में इंटरेक्ट हो रहा है, जैसे अभी देखा कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के बीच में मान के चलो ये दोनों सामने सामने हैं, तो हो सकता है, सबसे पहले दोनों कंडीशन को समझना, अगर पास पास है तो इन लोग के बीच में तो कुछ ना कुछ तो इंट्रैक्शन होगा, क्या होगा कुछ ना कुछ तो इंट्रैक्शन होगा, अगर इंट्रैक्शन होगा तो ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे तो उन लोग क्या होगा जुड़ेगा, क्या होगा जुड़ेगा, अगर इन लोग जुड़ता है तो उसी को हम लोग कहते हैं एसोसिएशन का कहानी, क्या कहते हैं हम लोग एसोसिएशन का कहानी, मतलब जितना हम लोग सॉलिड पार्टिकल लेकर के चल रहे थे तो उतना ना होकर के क्या होता है कम जाता है, कितना हो जाता है कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे थे हम लोग मान रहे थे दो गो, कितना मान रहे थे दो गो, लेकिन उन लोग इंटरैक्ट करने के बाद कितना बन जाता है एगो बन जाता है, तो ये कहानी हो रहा था जो एसिटिक एसिड वाला तुम लोग को एग्जाम्पल लेकर के चले थे कि दो गो देख रहे थे लेकिन बन कितना जा रहा था एगो। अब मान के चलो तुम लोग यहाँ पर पास पास सारा मॉलिक्यूल है, देखो इसमें दो घटना घट सकता है, एक तो पास पास होने की वजह से उन लोग के बीच में इंट्रैक्शन हो जाए बॉन्ड बन जाए, एक तो एक और पॉसिबल है कि जब इन लोग सामने सामने थे इन लोग के बीच में टक्कर भी होता होगा, अरे मॉलिक्यूल तो अपने रैंडम मोशन करते रहता है तो इन लोग भी आपस में क्या कर सकते हैं कोलिजन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे टक्कर होगा कोलिजन होने के बाद ऐसा भी तो केस हो सकता है कि यहाँ पर मान के चलो ये गया
ये गया इसके साथ टक्कर किया, कैसे किया यहाँ पे टक्कर किया। अब हो सकता है ये इसको जैसे टक्कर किया होगा तो यहाँ पे टूट गया हो, क्या हो वो टूट गया हो, तो जैसे ये इसके साथ टक्कर करेगा तो यहाँ पे दो को हम लोग लेकर के चल रहे थे, वो दो ना होकर के हो सकता है तीन को बन जाए, कितना बन जाए तीन को बन जाए, क्यों, क्योंकि ये हो सकता है टूट जाए, उसको जैसे टक्कर मारेगा तो टूट जाएगा, तो एक तो ये पहले से था, ये टूटेगा दो गो हो जाएगा तीन गो हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखो दो घटना होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को क्या रहता है सॉलिड मॉलिक्यूल जो रहता है वो पास पास होते हैं, पास पास होते हैं तो यहाँ पे दो घटना हो सकता है, या तो फिर उन लोग पास पास होने की वजह से उन लोग के बीच में बॉन्ड बन जाए, और अगर बॉन्ड बन जाएगा तो उन लोग जुड़ जाएगा एक दूसरे से, और जुड़ जाएगा तो वहाँ पर सॉलिड पार्टिकल की संख्या क्या हो जाएगा घट जाएगा। एक और कंडीशन हो सकता है कि इन लोग पास पास होने की वजह से हो सकता है इन लोग आपस में ज़्यादा टक्कर मारे, टक्कर मारेगा तो उन लोग क्या हो जाएगा डिसोसिएट कर सकता है, कॉलिजन करेगा तो टक्कर मारने के बाद उन लोग टूट भी सकता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में दो कंडीशन आ जाता है, एक तो हम लोग एसोसिएशन का कहानी आ जाता है और एक वो किसका आ जाता है हम लोग को डिसोसिएशन का। तो यहाँ पर जितना हम लोग ले करके चल रहे थे क्या उतना से वैल्यू निकलेगा, नहीं, यहाँ पे मतलब हम लोग को चेंज हो जाता है। लेकिन वही अगर हम लोग डायल्यूट वाला कंडीशन लेकर के चलते तो यहाँ पे सॉलिड मॉलिक्यूल आपस में कोई रिलेशन नहीं रहता, क्योंकि उन लोग बहुत दूर दूर में रहता है ना, उन लोग टक्कर कर पाता है, और टक्कर भी होगा तो बहुत कम होगा, जो कि हम लोग टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। लेकिन वही और फिर इन लोग के बीच में इंट्रैक्शन भी उतना सामने सामने ना होने की वजह से तो इन लोग बॉन्ड भी नहीं बना पाएगा, और बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो क्या एक दूसरे से जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, मतलब जितना हम लोग डाले थे उतना ही रह जाएगा यहां पे। तो ये चीज होता है, तो इसी चलते यहां पे लिखा गया है, अब ध्यान से समझना यहां पे कि हम लोग सबसे पहले क्या लिखे थे, टू गेट द एक्यूरेट वैल्यू, क्या लिखे थे हम लोग कि अगर हम लोग पाना चाहते हैं क्या चीज, एक्यूरेट वैल्यू पाना चाहते हैं क्या चीज, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, किसका मारना चाहते हैं हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास, अगर हम लोग एक्यूरेट वैल्यू पता करना चाहते हैं, कैलकुलेटेड ऑन दी बेसिस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, किसके बेसिस पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अनुसार अगर हम लोग मोलर मास एक्यूरेट वैल्यू अगर हम लोग पाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को फॉलोइंग कंडीशन को क्या करना चाहिए, हम लोग को फुलफिल करना चाहिए, जिसमें से पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। अगर यदि मान के चलो सॉल्यूशन का जो हम लोग को बनाएंगे वो सॉल्यूशन कैसा रहे हम लोग को डाइल्यूट रहे, तो डाइल्यूट होने पर क्या वहाँ पे इफेक्ट होगा उसको देखो, तो द सॉल्यूशन यूज्ड फॉर मेजरिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मस्ट बी डाइल्यूट। अगर यदि हम लोग वहाँ पे मेजर करना चाहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को तो उसके लिए हम लोग को क्या होना चाहिए डाइल्यूट होना चाहिए, क्या होना चाहिए डाइल्यूट। आगे लिखा गया इन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहाँ पर हम लोग इतना तो समझ में आ गया कि अगर हम लोग उसका एक्यूरेट वैल्यू ये सब अगर मेजरमेंट करना चाह रहे थे उस सब कहानी में तो वहाँ पर हम लोग को क्या होना चाहिए डाइल्यूट होना चाहिए, क्या होना चाहिए डाइल्यूट। तो उस कंडीशन पर हम लोग को ना टूटता था और ना ही जुड़ता था, तो ना टूटता था और ना जुड़ता था, तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या था जो हम लोग पहले से निकालते आ रहे थे उसी वैल्यू से हम लोग निकल जाता, अरे भाई उसी से निकल रहा था मास कॉलिगेटिव वैल्यू भी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी वैल्यू सेम निकल रहा था, मास अगर मोलर मास भी निकालना चाहते तो उस कंडीशन पे भी उसका वैल्यू सेम निकलता था। तो इसी चलते यहाँ पे बोल रहा है कि अगर वो सब हम लोग मेजर करना चाहते हैं तो उस कंडीशन के लिए सॉल्यूशन को क्या होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए डाइल्यूट होना चाहिए। अगर डाइल्यूट की जगह में तुम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लो, क्या ले लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इतना तो समझ में आ गया कि अगर हम लोग एक्यूरेट वैल्यू लेना चाहते हैं तो एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम लोग को क्या चाहिए डाइल्यूट सॉल्यूशन चाहिए। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी जैसे पहले निकाल रहे थे उस बेसिस अगर निकालेंगे तो हम लोग को अच्छा एक्यूरेट वैल्यू निकलेगा, और नहीं तो वहां से अगर हम लोग मोलर मास भी निकालना चाहो तो वो भी हम लोग को क्या मिलेगा एक्यूरेट ही मिलेगा। लेकिन जैसे अगर हम लोग को हो जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्या हो जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो यहाँ पे कहानी चेंज होने लगता है, क्यों, क्योंकि उन लोग के बीच में इंट्रैक्शन होने लगता है, क्यों, क्योंकि उन लोग के बीच में कोलिजन होने लगता है, तो वहाँ से दो घटना होता है, या फिर उन लोग टूट जाता है या तो फिर उन लोग जुड़ जाता है। तो इसी चलते बोल रहा है कि इन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन द पार्टिकल बिगिन टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर। तो जैसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन लोग एक दूसरे से क्या करते हैं इंटरैक्ट करते हैं, क्या करते हैं इंटरैक्ट। तो इंटरैक्ट करने के बाद क्या होता है विच मे कॉज द वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, जो कि उन लोग क्या करता है जो सॉल्यूशन में देखेगा तो उन लोग इंटरैक्ट करने की वजह से उन लोग क्या करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो था उन लोग में क्या करता है वेरिएशन करता है। वेरिएशन करने का मतलब हो सकता है घट जाए हो सकता है बढ़ जाए। तो यहां तक कहानी वो बोला था। आगे बोला है कि सिंस द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एनी फैक्टर्स। वैसे भी हम लोग जान रहे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता था नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता था। तो यहाँ पर कहानी समझ में आ गया। और चूंकि हम लोग जान रहे कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जब लेंगे उन लोग के बीच में इंट्रैक्ट होता है, इंट्रैक्ट होगा भैया तो वहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंजेस आएगा,
हो सकता है बढ़ जा, हो सकता है घट जा। अगर बढ़ेगा घटेगा इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग जानते थे डिपेंड करता है पार्टिकल्स पे। अगर उसका संख्या घटेगा बढ़ेगा मतलब उसका भी वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंस द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एनी फैक्टर्स विच डिस्टर्ब द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉजेज एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वहां पर देख रहा है कि वो जो इंट्रैक्शन वगैरह हो रहा था तो वहां पे हम लोग एसोसिएट कर सकता है, डिसोसिएट कर सकता है, जिसकी वजह से उसका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो क्या हो जाता है, हम लोग को डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने की वजह से वहां पर हम लोग को उसका पार्टिकल में चेंजेस आता है, जिसकी वजह से वहां पर हम लोग को क्या होता है, उसमें जो मोलर मास हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग, मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसका मोलर मास में हम लोग क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। अरे जैसे पहले निकाल रहे थे उतना निकलेगा नहीं, निकलेगा, क्योंकि देखो हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू लेकर के चले थे। जैसे किसी का भी एग्जांपल ले लो ना, जैसे मान के चलो तुम डेल्टा टीवी का लेकर के चलता था, तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू होता था यहाँ पे केवी और यहाँ पे होता था मोलालिटी, और कहीं ना कहीं इसको तोड़ता था तो तुम देखता था यहाँ पे कि वेट लिखता था, यहाँ पर तुम मोलर वेट लिखता था और इंटू यहाँ पे 1000 लिखता था और नीचे तुम यहाँ पे लिखता था वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखता था, यही कहानी करता था। अभी देखो इसका मोलर वेट और इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कैसा प्रोपोर्शनैलिटी है, इनवर्सली है, चूंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हम लोग इंट्रैक्शन हो जाता है जिसके वजह से उसका सॉलिड पार्टिकल मतलब उसके पार्टिकल्स में क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, कम भी हो सकता है बेसी भी हो सकता है। अगर कम और ज़्यादा होगा, और वैसे भी तुम जानता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, तो अगर पार्टिकल्स घटेगा बढ़ेगा तो इसका भी वैल्यू चेंज होगा। अगर इसका वैल्यू चेंज होगा तो क्या इसका मोलर मास में हम लोग को चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है चेंज होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग उस तरह से होगा डिस्टर्ब होगा तो उस कंडीशन पे अगर हम लोग मोलर मास निकालना चाहेंगे तो उस समय उसका क्या होगा, सही वैल्यू तो निकलेगा नहीं, तो इसी चलते उसका वैल्यू को ही हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं, क्या कहानी समझ में आ रहा है। और वही उसी कंडीशन पे अगर हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कहानी समझ में आ गया ना। डायल्यूट का केस में क्या हो रहा था, कंसंट्रेटेड का केस में क्या हो रहा था, समझ में आ गया, आगे देखो, बाकी तो समझ में आ ही गया। तो एक तो कंडीशन ये था, कंडीशन क्या हुआ कि अगर हम लोग को एबनॉर्मल मोलर मास ये सब कर रहा है तो एबनॉर्मल मास ये सब जो आया है उसके लिए फिर आगे चल के कंडीशन समझ में आया कि अगर यदि हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में अगर कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम लोग मोलर मास निकालना चाहते हैं, वो भी कैसा, एक्यूरेट वैल्यू, क्या चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू, तो एक्यूरेट वैल्यू निकालना कब पॉसिबल है, जब वो सॉल्यूशन क्या हो, डाइल्यूटेड हो, क्या हो, डाइल्यूटेड। अगर वहां से हम लोग को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा तो वहां से जो मोलर मास आएगा वो हम लोग को एक्यूरेट नहीं बल्कि वो क्या होगा, हम लोग को एबनॉर्मल मोलर मास होगा, कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पूरा फिक्स निकलता था क्या, नहीं, वहां पे चेंजेस आता, तो उसी मोलर मास को हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं, कहानी समझ में आ गया। चलो इतना पहले लिख लो, उसके बाद फिर अभी सेकेंड पॉइंट बताएंगे तो वहां से धीरे धीरे और भी अच्छा तरीके से, जैसे अभी तो इतना बात को खत्म हो गया कि डाइल्यूट होगा तो वहाँ से हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू तो मिलवे करता है, क्यों, क्योंकि ना वहाँ पे डिसोसिएट होता है और ना ही हम लोग को एसोसिएट होता है, लेकिन जैसे हम लोग कंसंट्रेटेड वाला लेते हैं तो वहाँ पर हम लोग को क्या होता है, उसका वैल्यू में चेंजेस आता है, जिसके वजह से हम लोग को एबनॉर्मल मोलर मास निकलता है या फिर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकलता है, वहाँ से जो वैल्यू निकलता था वो चीज़, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे एबनॉर्मल वाला कहानी लेकर के कि एबनॉर्मल को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पे क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इतना लिखा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। देखो अब देखो सेकेंड पॉइंट में क्या है, पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कि हम लोग को क्या होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, अगर एक्यूरेट वैल्यू निकालना चाहते हैं तब। फिर लास्ट में देखो सेकेंड में क्या लिखा है, द सॉल्यूट मस्ट नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन, कि हम लोग को जो सॉल्यूट है सॉल्यूट को ना डिसोसिएट होना है और ना ही एसोसिएट होना है। अगर डिसोसिएट होगा तो उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज होगा, अगर डिसोसिएट हो तब भी हम लोग को क्या होगा, उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज होगा। तो हम लोग को अगर वो चेंज नहीं होगा तभी हम लोग एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी चलते यहाँ पे लिखा है कि द सॉल्यूट मस्ट नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में हम लोग को सॉल्यूट पार्टिकल जो होगा वो ना डिसोसिएट होना चाहिए और ना ही एसोसिएट होना चाहिए। तो नीचे लिखा हुआ है द इक्वेशन ड्राफ्ट फॉर मेजरिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड हेंस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आर फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स व्हिच डू नॉट अंडरगो एनी डिसोसिएशन और एनी एसोसिएशन इन सॉल्यूशन। बोल रहा है कि जो हम लोग इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव करेंगे क्या मेजर करने के लिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करने के लिए, और उसमें जो हम लोग मोलर मास होगा सॉल्यूट का, कोई भी हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज हुआ है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, क्या चीज यूज हुआ है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट।
तो नन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कभी भी वहाँ पे रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग को क्या होता है डिसोसिएट वगैरह करता है। तो नन इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब होता है कि ना वहाँ पे हम लोग डिसोसिएट होगा ना ही हम लोग का एसोसिएट होगा, तो वैसा हम लोग को सॉल्यूट रहेगा। ठीक है, दो आगे कहने समझ में आ गया कि जब भी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे, उस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, तो उस समय हम लोग को ये ध्यान देना है कि जो हम लोग को सॉल्यूट रहेगा, सॉल्यूट हम लोग को क्या होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होना चाहिए। ठीक है, जो हम लोग को क्या हो, ना हम लोग को डिसोसिएट होता हो और ना ही हम लोग को एसोसिएट होता हो। अब देखो इन केस ऑफ एसोसिएशन, मान के चलो अगर हम लोग को एसोसिएट हो जाता है, क्या हो जाता है हम लोग को एसोसिएट हो जाता है, कहने का मतलब सॉल्यूशन में गया होगा सॉल्यूट और वहां पर जाने के बाद क्या हुआ होगा, आपस में जुड़ गया होगा, तो जुड़ जाएगा तो उस कंडीशन पे हम लोग को क्या होता है, तो व्हेन द सॉल्यूट पार्टिकल्स अंडरगो एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स हम लोग को सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाए एसोसिएट हो जाए, तब क्या होता है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन बिकम लेस देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड। उसमें क्या होता है कि अगर सॉल्यूशन में जाने के बाद उन लोग एसोसिएट कर जाएगा तो जितना हम लोग उसमें डालते हैं सॉल्यूट पार्टिकल उतना ना होकर के उससे क्या हो जाता है कम हो जाता है। फिर आगे लिखा है कि एज अ रिजल्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस एंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेटेड ऑन दिस बेसिस वुड बी ग्रेटर देन द नॉर्मल वैल्यू। तो इस कंडीशन पे क्या होता है हम लोग को क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे भी ऑब्वियस सी बात है। अरे इतना तो हम लोग समझ गया था ना, हम लोग क्या समझे थे कि जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी होता है क्या होता है हम लोग को, क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग को होता है वो क्या होता है हम लोग को डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है किसका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। अरे इसी का ना होता है हम लोग का, तो इसका हम कहने का मतलब हो गया कि अगर हम लोग को मान के चलो सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाए वहाँ पे जैसे सॉल्यूशन में डालेंगे तो हम लोग एसोसिएट कर जाए, एसोसिएट कर जाएगा इसका मतलब वहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएगा घट जाएगा, घट जाएगा तो उसका मतलब है अगर हम लोग जान रहे हैं कि अगर पार्टिकल्स घटेगा तो उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा कम जाएगा। तो यही वही चीज़ लिखा है, क्या लिखा है कि व्हेन द सॉलिड पार्टिकल्स अंडरगो एसोसिएशन इन दिस सॉल्यूशन, जब वो हम लोग सॉल्यूशन में एसोसिएट कर जाता है तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस सॉल्यूशन बिकम लेस देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड, कि जितना हम लोग ऐड किए हुए रहते हैं सॉल्यूट पार्टिकल उससे क्या हो जाता है हम लोग को कम जाता है कहाँ पे सॉल्यूशन में, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या हो गया आपस में एसोसिएट कर गया। एज अ रिजल्ट तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या होता है वहाँ पे कहानी कि द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, क्या होता है हम लोग को क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाता है, क्यों होता है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जा रहा है, मतलब कि ये अगर हम लोग को घट रहा है तो ये भी हम लोग को क्या होगा घटेगा, क्या कहानी समझ में आ गया। फिर आगे एंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेटेड ऑन दिस बेसिस वुड बी ग्रेटर देन द नॉर्मल वैल्यू, और जो हम लोग नॉर्मल वैल्यू जैसे कि मान कर चलो NaOH को लेकर के चल रहा था, किसका लेकर चल रहा था NaOH का, तो इसको लेकर के चल रहा था 40, अरे निकालता 40 आता है, जो हम लोग E वाला लेकर के जो चलता था नॉर्मल वैल्यू, लेकिन नॉर्मल वैल्यू अभी निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया घट गया, और जैसे ही घटेगा तो हम लोग मोलर मास क्या हो जाता है बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है क्योंकि अभी अभी तुम लोग को फिर से बताएं कि जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी होता है मोलर मास के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा प्रोपोर्शनैलिटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अभी देखा था ना कि इधर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी होता है तो नीचे हम लोग को क्या होता था मोलर मास, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या चीज कि जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी होता है या फिर डायरेक्टली यहीं से लिख देते हैं ना, क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है मोलर मास का होता है, किसका होता है हम लोग का मोलर मास का, कहने का मतलब अगर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को क्या हो जा रहा है घट जा रहा है, रही क्या हो रहा है घट जा रहा है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहा है घट रहा है, तो उस कंडीशन में मोलर मास का वैल्यू क्या होगा हम लोग को बढ़ेगा, मतलब जितना हम लोग नॉर्मल वैल्यू उसका जानते थे नॉर्मल वैल्यू होगा क्या, नहीं, उससे हम लोग को क्या होगा बड़ा देखने को मिलेगा, क्या कहानी समझ में आ गया, क्यों ऐसा हुआ मोलर मास हम लोग को क्यों बढ़ता है, क्योंकि हम लोग को इसका क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वहाँ पे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग को बढ़ेगा तो हम लोग को क्या होगा मोलर मास भी उसका बढ़ेगा, क्या होगा हम लोग को मोलर मास, और सॉरी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग को घटेगा तो उसका मोलर मास क्या होगा बढ़ेगा, क्या कहानी समझ में आ गया ना, तो ये है यहाँ पे एक बार ये वाला लिख लेना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका, कहानी समझ में आ रहा है, इसका लिखने के बाद फिर से यहाँ पे क्या लिखना क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है मोलर मास का, फिर एक बार यहाँ पे लिख देना क्या चीज जो मोलर मास होगा क्या होगा यहाँ पे मोलर मास, अब देख रहे हैं ये मोलर मास क्या होगा ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसका होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये कहाँ से आया समझ में आया, कहने का मतलब कहाँ से आ रहा है ये सब से बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे देखो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, फिर हम लोग जान रहे हैं कि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास का, तो जब मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी और क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसी चलते लिखे कोलिगेटिव मतलब जो तुम्हारा मोलर मास होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घटेगा, और उस दौरान तुम्हारा मोलर मास क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। क्या कहने समझ में आ गया? और इस कंडीशन में जब हम लोग को सॉल्यूशन के केस में जब जाते हैं तो वहाँ पे एसोसिएट हो जाता है, तो वहाँ पर हम लोग जितना डाले हुए रहते हैं सॉलिड पार्टिकल उतना ना होकर के घट जाता है, घट जाता है, तो वहाँ पे सॉलिड पार्टिकल की संख्या घटने की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होता है, घट जाता है। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाता है तो चूंकि हम लोग रिलेशन जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास से, तो इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट रहा है तो मोलर मास क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये था, तो हम लोग का अगर यहाँ पे निकालना चाहे मोलर मास तो एक्यूरेट वैल्यू ना निकलता है, क्या निकलता है हम लोग को, एबनॉर्मल मोलर मास हम लोग को निकलता है। कहने समझ में आ गया? चलो इसको लिख लो, फिर डिसोसिएशन का कहानी बताते हैं। देखो तो सेकेंड कंडीशन क्या है, जब हम लोग को क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, तो डिसोसिएट होगा तब क्या होगा, देखो तो व्हेन द सॉल्यूट पार्टिकल अंडरगो डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, क्या हो जाता है यहाँ पे, इंक्रीज कर जाता है। जब हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड करते हैं जब हम लोग सॉल्यूशन में, तो उस समय हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट हो जाना मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तब आगे देखो क्या हो रहा है, इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस और बिकम मोर देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड, जितना हम लोग ऐड किए हुए रहते हैं उससे क्या हो जाता है, हम लोग पार्टिकल्स बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस एंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेटेड ऑन दिस बेसिस वुड बी लेस देन द नॉर्मल वैल्यू। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे हम लोग का नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा हम लोग डिसोसिएट करने के बाद, तो वैसा ही हम लोग को देखने को मिलता है कि जो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा तो हम लोग जानते हैं मोलर मास में क्या होगा, घट जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम लोग मोलर मास यहाँ पे देखेंगे तो वो हम लोग को क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर यहाँ था, उसका जो नॉर्मल वैल्यू रहता है उससे। तो आगे देखो एबनॉर्मल मोलर मास का कभी कभी डेफिनेशन पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा सा देख लो क्या लिखेगा एबनॉर्मल मोलर मास। देखो ये सब कहानी समझ में आ गया था ना, एबनॉर्मल वाला कहानी क्या हो रहा था, हम लोग देखे अगर हम लोग फिक्स वैल्यू अगर देखना चाहे उसका एक्यूरेट वैल्यू, तो दो कंडीशन देखा था। पहला कंडीशन देखा कि हम लोग को सॉल्यूशन क्या चाहिए, डाइल्यूट चाहिए। दूसरा कंडीशन देखा, दूसरा में कहानी ये था कि हम लोग जो सॉल्यूट पार्टिकल रहेगा ना हम लोग को डिसोसिएट करना चाहिए और ना ही एसोसिएट करना चाहिए। फिर हम लोग देखें अगर डिसोसिएट कर गया, अगर एसोसिएट कर गया, तब हम लोग देखते हैं उसका क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो रहा था, चेंज आ रहा था। क्यों? क्योंकि डिसोसिएट करेगा एसोसिएट करेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल जितना हम लोग ऐड किए हुए रहते हैं उससे क्या हो जाता है, कम जाता है या फिर बढ़ जाता है। और कम जाना बढ़ जाने से हम लोग क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम और बेसी हो जाएगा, तो उससे हम लोग को पता चलता है कि उसका जो मोलर मास हिसाब होगा वो भी हम लोग को चेंज हो जा रहा था, तो उसका हम लोग एक्यूरेट वैल्यू निकाल नहीं पाते। तो उसी को हम लोग जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी आता है डिसोसिएट एसोसिएट करने के बाद तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर डिफिनेशन पूछता है एबनॉर्मल मोलर मास का कभी, तब क्या लिखोगे तुम, तो द चेंज इन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन में डिसोसिएट होने की वजह से या फिर एसोसिएट होने की वजह से जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू जो मोलर मास, अगर वो हम लोग को चेंज हो रहा है तो वही जो चेंज हो रहा है मोलर मास उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं। क्या क्लियर है यहाँ तक कहानी? तो ये था तुम्हारा डिफिनेशन वगैरह, चलो इतना पहले लिख लो। देखो अब हम लोग जैसे कि बात कर रहे थे एबनॉर्मल को समझ गया कि क्या कहानी होता था, जो चेंज होता था उसी को हम लोग क्या बोलते थे, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर एबनॉर्मल मोलर मास। तो वहाँ पर देखा था कि तुम लोग को बताएं क्या बताएं कि जब एक्सपेरिमेंटल और जो तुम्हारा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी था वो दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग को क्या पता चला था कि जो हम लोग थियोरेटिकल वैल्यू था उसमें हम लोग एक वो फैक्टर से हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, जिसको क्या बोलते थे, आई। क्या बोलते थे, आई। और यही आई को बोलते थे वांट्स ऑफ फैक्टर। तो इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद इसको निकालने का तरीका देखेंगे, निकालने के बाद तब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस वगैरह कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ से हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मतलब हम लोग को निकल पाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, वांट्स ऑफ फैक्टर जिसको हम लोग आई जिसे दिखाते हैं क्या होता है, तो वांट्स ऑफ
इंट्रोड्यूस, देखो वांट्सॉप जो होता है वो एक हम लोग को साइंटिस्ट था, क्या था हम लोग को साइंटिस्ट, तो वो एक फैक्टर दिया था जिसको पूरा अपने नाम पे ही रख लिया था, क्या जी वांट्सॉप फैक्टर। तो ये देखो वांट्सॉप इंट्रोड्यूस अ फैक्टर आई इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट्स विच अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड वांट्सॉप फैक्टर एंड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, जो कि यहाँ पे हम लोग को तीन को तरीका दिया गया है जिससे हम लोग क्या निकालते हैं वांट्सॉप फैक्टर निकालते हैं। तो वांट्सॉप फैक्टर समझ में आया कि वांट्सॉप जो साइंटिस्ट थे वो हम लोग को एक थ्योरी दिए थे या फिर उसको एक बोलो फैक्टर्स दिए थे जिसको हम लोग क्या बोलते थे आई से दिखाते थे, और वो जो एक्सप्लेन करता था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, जो हम लोग को सॉल्यूट क्या हो रहा था सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट हो जा रहा था एसोसिएट हो जा रहा था, तो वो सब कहानी के बारे में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सब जो हम लोग निकालना होता था उसको निकालने के लिए जो एक फैक्टर्स दिया था आई, उसी को हम लोग इंट्रोड्यूस किया था जो कि क्या कहलाता है हम लोग को वांट्सॉप फैक्टर कहलाता है। क्लियर यहाँ तक? अब वांट्सॉप फैक्टर को निकालने के लिए हम लोग को तीन तरीका से यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया। अब कैसे आई का वैल्यू निकालोगे सो देखो, आई का वैल्यू होता है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नीचे होता है नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब दोनों का मतलब समझना, क्वेश्चंस में कभी कभी तुम्हें क्या रहेगा वांट्सॉप फैक्टर पूछ देगा, क्या पूछेगा वांट्सॉप फैक्टर, जहां वांट्सॉप फैक्टर बोला दिमाग में आ जाना चाहिए क्या पूछा है आई पूछा है, क्या पूछा है आई। आई निकालने का तीन तरीका है, अब क्वेश्चन में जिस अनुसार से दिया रहेगा उसके अनुसार से निकालेंगे। अगर यदि तुम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो तुम निकालने जानता था, अरे निकालने जानता है ना नॉर्मली, नॉर्मली जो हम लोग पहले से निकालते थे उसी को बोलते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मान के चलो क्वेश्चन में सारा कुछ दे दिया, ठीक है, वहां से मान के चलो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सब निकालने के लिए दे दिया, तो वहां से हम लोग तो वैल्यू वगैरह रहेगा तो वहां से निकाल ही सकते हैं, वहां से आई की जरूरत हम लोग को पड़ता नहीं। और क्वेश्चंस में अगर तुम्हें मेंशन कर दिया कि जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होता है, मतलब वो कहाँ से दे दिया ऑब्जर्व करके दिया है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर दे दिया क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू, और अगर तुम्हें पता चल गया तुम तो खुद से निकाल सकते हो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी, अरे जो थियोरिटिकली निकालता था पहले के अनुसार वो वाला, तो वो वाला क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी तुम निकाल लिया और तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी, मतलब ऑब्जर्व क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी, तो क्या करना है ऑब्जर्व वाला को ऊपर रखना है और जो तुम निकाला हुआ रहेगा थियोरिटिकली मतलब थियोरिटिकली के अनुसार उसको नीचे रखेगा, उन लोग को डिवाइड करेगा जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा वांट्सॉप फैक्टर। कहने का मतलब जो ऑब्जर्व वाला रहेगा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहेगा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का उसको ऊपर रखना है, जो थियोरेटिकली रहेगा उसको कहाँ रखना है नीचे रखना है, वो दोनों को डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा क्या निकल जाएगा तुम्हारा आई का वैल्यू। अच्छा ये आई का वैल्यू आया कैसे, वैसे भी जानता है ए इधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अरे होगा कि नहीं, और ये ऑब्जर्व है मतलब एक्सपेरिमेंटल है, अभी जान रहा है कि ये जो क्या था हम लोग नॉर्मली जो पहले निकालते थे उसमें क्या गुना हो जाएगा आई हो जाएगा, तो वही तो हम लोग को क्या कहलाता था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो वहीं से तो हम लोग को आई निकाला है, कहानी समझ में आ रहा है ना ये चीज। फिर एक तो तरीका ये हो गया कि अगर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू हम लोग को पता रहे तब हम लोग आई ऐसे निकालेंगे, अगर मान के चल हम लोग को मोलर मास पता रहे, क्या रहे मोलर मास, अभी तो दो चीज देखा था कि मोलर मास जैसे हम लोग जानते थे पहले वो तो हम लोग एक्यूरेट वैल्यू पहले जानते थे, अरे जानते थे ना, जैसे कि नॉर्मल वैल्यू जैसे मान के चलो तुम NaOH का लेता था, क्या लेता था NaOH का, इसको जानता था 40, अरे 40 जानता था ना, तो ये तो नॉर्मल वैल्यू हो गया, क्या हो गया नॉर्मल। और अभी जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब तुम निकालता था एक्सपेरिमेंटल के अनुसार जैसे अभी चेंज करके निकालता था, वहां जो निकालता था वो क्या निकालता था हम लोग ऑब्जर्व, क्या निकालता है ऑब्जर्व कि कितना आया है वहाँ पे, तो उसी तरह से तुम्हारा क्या रहेगा कि वहाँ पे क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार निकालता है तो वहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू निकलता है क्या नहीं, तो वहाँ से कुछ हम लोग को चेंज वगैरह होता था तो वो होता था हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो अगर तुम्हारा कभी भी ऑब्जर्व वैल्यू लिखा है मोलर मास या फिर एक्सपेरिमेंटल वहाँ पे बोला है तो उसका वैल्यू को कहाँ रखेंगे नीचे रखेंगे, और तुम जो जानता है जैसे NaOH का वैल्यू कितना जानता है 40, कितना जानता है 40, तो 40 को ऊपर रखेंगे, नॉर्मल मोलर मास क्या हो गया जो तुम जानता था। फिर यहाँ पे देखो ऑब्जर्व वैल्यू या फिर तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, तो जो तुम्हारा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार निकाल करके दिया रहेगा तो ये अगर तुम्हारा मेंशन किया है जैसे तुम लोग खुद ही समझ सकता है, अगर NaOH का तुम्हारा दे दिया क्वेश्चन में 38, कितना दे दिया 38, तो तुम तो दिमाग लगा लोगे अरे इसका होता है 40 और दिया कितना क्वेश्चन में 38, तो ये किसका दिया होगा ऑब्जर्व वैल्यू दिया होगा, तो ऑब्जर्व वैल्यू को कहाँ रखेंगे नीचे, और तुम जो जानता है वो कहाँ रखेंगे हम लोग ऊपर रखेंगे, तो उन लोग को जब डिवाइड करेगा तो वहां से भी किसका वैल्यू निकल जाता है आई का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर आया था? फिर अगर मान के चलो मोलर मास नहीं दिया है, तुम्हारा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं दिया है, तब भी तुम कैसे पता कर सकते हो आई का वैल्यू, तो वहां से कंडीशन रहता है कि जो तुम्हारा सॉल्यूट पार्टिकल है वो कितना डिसोसिएट कर रहा है या फिर कितना एसोसिएट कर रहा है, तो उसके माध्यम से भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो आई का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, क्या बात कर रहा है मोल बात कर रहा है सॉल्यूट पार्टिकल्स का, कब
आफ्टर एसोसिएशन या फिर आफ्टर डिसोसिएशन, कि अगर मान के चलो डिसोसिएट हो गया या फिर एसोसिएट हो गया, अरे तो डिसोसिएट होने के बाद भी तो उसका कुछ वैल्यू हो रहा था ना, मान के चलो दो हो गया, तीन हो गया, ऐसे तो उसको ऊपर रखेंगे। और जितना हम लोग लिए हुए रहते हैं, कितना लिए रहते हैं, जो स्टार्टिंग में जितना हम लोग उसका मोल लिए रहते हैं, जैसे मान के चलो NaOH को लिया था एक मोल, कितना लिया था एक मोल, ये डिसोसिएट होकर के कितना हो गया होगा, दो मोल हो गया होगा, तो हम लोग ऊपर रखेंगे किसको, जो डिसोसिएट हो गया है बाद में उसको, और जो हम लोग पहले कितना लिए थे एक मोल, तो उसको कहां रखेंगे हम लोग, नीचे रखेंगे। तो उसके माध्यम से भी हम लोग क्या लिखते हैं, I का वैल्यू निकालते हैं। तो वही लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और नीचे लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, या फिर यहां पे बोल सकते हैं बिफोर एसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन। क्या कहानी समझ में आ गया? तो तुम्हारा जो आई वैल्यू निकालने का जो तरीका है, वो तरीका क्या है, तीन गो। अब तीनों तरीका तुम्हारा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, कब क्या कंडीशन दिया उसके अनुसार हम लोग आई का वैल्यू निकाल लेंगे। चलो इतना पहले तुम लोग लिख लो। देखो अब हम लोग को क्या होता है ना, जैसे कि थर्ड वाला जो पढ़ा तुम फॉर्मूला, उसमें जो वांट्स ऑफ फैक्टर का वैल्यू निकाल रहा था, वहाँ पे देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा था कि कितना पार्टिकल्स तुम्हारा डिसोसिएट हुआ है या फिर एसोसिएट हुआ है। तो एसोसिएट और डिसोसिएट होने के बाद वाला तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखता था, और नीचे लिखता था कि तुम्हारा स्टार्टिंग में कितना मोल लिया गया था, यही ना था। अब उसी के अनुसार क्या रहता है, हम लोग को रिलेशन पूछ देता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन में, या तो फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो कहानी और वांट्स ऑफ फैक्टर में रिलेशन, मतलब वांट्स ऑफ फैक्टर को हम लोग आई से दिखाते थे, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन का कहानी तो उसको हम लोग अल्फा से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, अल्फा से। हालांकि एसोसिएशन का कहानी को हम लोग बीटा से दिखाएंगे, जो अल्फा दिखाएगा वो क्या दिखाता है, बीटा। बस उसको दिखाने का जरिया है कि अल्फा दिखाएगा डिसोसिएशन और बीटा क्या दिखाएगा, एसोसिएशन। हालांकि तुम लोग इसको अगर पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो ये चीज़ वहाँ पर पढ़ाया जाता है, डिसोसिएट करना एसोसिएट करना, तो वहाँ का कंसेप्ट है। तो फिलहाल यहाँ पर समझो, तो इसका और इसके बीच में हम लोग को क्या करना है, रिलेशन बताना। पहले बता रहे हैं अल्फा क्या बताता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और बीटा क्या दिखाता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कि कितना परसेंट वहां पे टूटा। जैसे तुम लोग को कहानी ऐसा है कि जैसे मान के चलो यहाँ पे ले लिया NaOH, क्या ले लिया NaOH, इतना तो जान रहा है कि डिसोसिएट होगा कि यहाँ पे Na प्लस और किस में टूटेगा, OH माइनस में। लेकिन हो सकता है ये क्या स्टार्टिंग में पूरा टूट गया होगा, का मतलब ये 100% टूट गया होगा, नहीं, हो सकता है ये जो 100% था स्टार्टिंग में, ये हो सकता है सिर्फ 20% टूटा हो। तो 20% टूटेगा तो ये कितना बनेगा, 20%, ये भी कितना बनेगा, 20% बनेगा। तो इस तरह का कहानी हम लोग को चलता है, अगर परसेंटेज के तौर पर दिया रहे तो उसके अनुसार हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये सब कहानी है। तो इस सब हालांकि हाई लेवल का यहाँ पे कंसेप्ट है, लेकिन हम लोग 12th क्लास में इससे न्यूमेरिकल वगैरह पूछ देता है, तो इसी चलते इसको देखेंगे, क्योंकि कंपिटेटिव एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ भी पूछता है। एक जनरल हम यहाँ पे फॉर्मूला ले रहे हैं, ठीक है, जनरल फॉर्मूला ये ले रहे हैं कि यहाँ पे मान के चलो ए है, और ए से बन रहा है यहाँ पे बी, क्या बन रहा है, ए से बन रहा है बी। उसी तरह से यहाँ भी ए से बन रहा है क्या चीज़, तुम्हारा बी बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, ए तुम्हारा रिएक्टेंट है, बी क्या है, प्रोडक्ट। यहाँ भी ए रिएक्टेंट है, बी क्या है, प्रोडक्ट। अगर मान के चलो तुम्हें स्टार्टिंग में इसका कितना मूल लेकर के चला है, वन लेकर चला है, कितना लेकर के चला है, वन। अभी जैसे कि तुम देख करके चल रहा था, जैसे कि यहाँ पे मान के चलो NaOH का ही एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे पता चला था कि ये Na प्लस में टूटा था, और ये किस में टूटा था, OH माइनस में। अभी देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना है, कितना है, वन, मतलब आफ्टर डिसोसिएशन। देखो यहाँ पे दो कहानी देखना, ये जो रिएक्शंस होने के बाद, अगर इधर वाला के बात कर रहे हैं तो इधर बोलेंगे हम लोग आफ्टर, क्या बोलेंगे, आफ्टर, और इधर वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, बिफोर बोलेंगे। क्या कहानी समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर चूंकि डिसोसिएशन का कहानी देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे टूट रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और इधर वाला क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। कहानी समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिखाई दिया, एक, और रिएक्शन करने के बाद कितना दिखाई दे रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना दिखाई दे रहा है, दो। बोलेगा दो कहाँ से आया, तो यहाँ पर देखो एक इसका और एक इसका, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, दो आ गया। तो यही मोल को हम लोग को क्या करना है, मेजरमेंट करना है कि कैसे हम लोग को यहाँ पे क्या होगा। कहानी समझ में आ गया ना? तो एक चीज जैसे कि आई का फॉर्मूला भी थर्ड वाला देखा था, वहां पर भी देखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो वहां पर हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर वही चीज चलेंगे। और नीचे क्या लिखता था कि कितना हम लोग पार्टिकल्स को लिए हैं, कितना मोल, तो उसको नीचे रखेंगे। तो यहां पर हम लोग इसी तरह से एक एक करके क्या करेंगे, बात करेंगे।
देखो यहाँ पे समझो, जो केमिकल इक्विलिब्रियम ये सब पढ़ा होगा उसको थोड़ा सा आसानी लगेगा यहाँ पे समझने के लिए। सबसे पहले देखो टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे देख रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं, टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे। तो देखो ए का जो भी यहाँ पे होगा, अच्छा तुम लोग खुद से बताओ, बताओ ये कि जब स्टार्टिंग में मान के चलो हमको रिएक्शंस करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, रिएक्शंस करने जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे देखो एरो देख रहा है, यहाँ पर जो भी तुम ये रिएक्टेंट लिया होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या स्टार्टिंग में तुम्हारा प्रोडक्ट कुछ होगा, क्या स्टार्टिंग में कुछ भी प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय तुम्हारा क्या रहेगा, पूरा पूरा रिएक्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट तो रहेगा नहीं। तो उस कंडीशन पे बोलेंगे कि अगर स्टार्टिंग टाइम में कुछ तो स्टार्ट हुआ होगा ना उस समय, तो उस दौरान अगर बात करेंगे टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, तो इसका जितना हम लोग लेंगे वो तो पूरा पूरी मिलेगा, क्या उस समय हम लोग को प्रोडक्ट कुछ मिलेगा, नहीं, तो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, जीरो। क्लियर है, ध्यान से समझना ये रिएक्शंस को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कभी रिएक्शंस में काम करेगा तो उस समय तुम लोग पागल हो जाएगा वहाँ पे। देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो टाइम टी इज इक्वल टू टी पे चलते हैं, ठीक है, एक बात के हमेशा ध्यान देना, जितना ये टूटेगा उतना ही ये हम लोग को बनेगा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर देखो मान के चलो वन में कितना टूट रहा है, वन में जो वन देखे थे वहां पे हम लोग अल्फा टूट गया, कितना टूट गया, अल्फा, तो ये हम लोग को बनेगा कितना, अल्फा ही बनेगा, कितना बनेगा, अल्फा। अब जैसे कि तुम लोग देख रहा था यहाँ पे कि जैसे NaOH को तोड़ रहा था, तो यहाँ पर हम लोग को Na प्लस में टूट रहा था, उसी तरह से OH माइनस में टूट रहा था। अगर मान के चलो तुम ले लेगा यहाँ पे AlCl3 को, तो ये किस में टूट रहा था, इसमें देखेगा तो Al3 प्लस और यहाँ पर 3Cl माइनस में टूटेगा, और यही टूटेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, चार, इधर कितना रह गया, एक। मतलब देख रहा है कि अगर एक मोल लेता है तो इधर डिसोसिएट होने के बाद कभी दो मोल हो जा रहा है, कभी तीन चार मोल हो जा रहा है, कभी कुछ और हो जाएगा, अरे कहानी समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से कहानी देख रहे हैं, यहाँ पर मान के चलो जो प्रोडक्ट बनेगा इतना तो पक्का कि इधर तो तुम्हारे डिसोसिएट ही हुआ होगा, अब डिसोसिएट किया होगा तो यहाँ पे दो को बन रहा है कि तीन को बन रहा है, कुछ तो बन रहा होगा ना। तो इसी चलते यहाँ पे जनरल टर्म से हम लोग मान लिए कितना, एन, कितना मान लिए, एन, कि इधर हम लोग को चाहिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो चाहिए, तो यहाँ से पता चल रहा है कि कितना डिसोसिएट होकर चला, चार गो, यहाँ पे कितना हुआ, दो गो। अगर यहाँ पे बात करेंगे MgCl का, तो यहाँ पे MgCl2 का, तो यहाँ पे क्या पता चलेगा, ये टूटेगा Mg2 प्लस में और किसमें टूटेगा, 2Cl में, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया, तीन गो, लिए कितना था, एक। तो इस तरह से देख रहा है वेरी कर रहा है, तो हम लोग हर एक रिएक्शन के लिए थोड़े पढ़ेंगे, तो एक हम लोग जनरल टर्म्स ले लिए कि ये हर एक एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम लोग ले करके चल रहे हैं कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना होगा कितना बना होगा, पार्टिकल्स, एन पार्टिकल्स बना होगा, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर समझो धीरे धीरे, रिएक्शंस को समझना, ठीक है, यहाँ पे डिसोसिएशन ये सब वाला जो कहानी है इसको समझना है, तभी आगे चल के तुम ड्राइव कर पाओगे बाद में अपने से, और नहीं तो फिर तुम लोग क्या हो जाएगा, समझने नहीं सकोगे, बाद में पता चलेगा कि 11th वाला भी कंसेप्ट नहीं पढ़ा था, यहाँ भी नहीं समझ नहीं सका। अब यहाँ पर ये समझो, इतना तो समझ में आ गया कि जितना यहाँ पे टूट रहा है, अरे जितना यहाँ पे टूट रहा है उतना ही तो बन रहा था, मान के चलिए अल्फा टूटा तो अल्फा बना था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर ए वो तुम्हारा पार्टिकल्स है, अरे तो वो तो एक ही ने बना होगा, अगर दो गो है तो वो कितना बना होगा, दो बार अल्फा अल्फा बना होगा, तो प्रोडक्ट नहीं, समझा। जैसे मान के चलो यहाँ पे तुम NaOH को लेकर के चल रहा था, तो यहाँ से पता चला कि तुम्हारा Na प्लस और क्या चीज बना, OH माइनस, तो यहाँ पर पता चला कि मान के चलो वन माइनस अल्फा लिए, तो ये भी अल्फा बना होगा, ये भी कितना बना होगा, अल्फा। तो जान रहे जितना टूटेगा उतना तो बनेगा, लेकिन टोटल बनेगा कि कितना बना है, तो ये देखो एक मोल और ये कितना, एक मोल, तो ये भी एक मोल और ये भी कितना बनेगा, एक मोल, तो दो टोटल जोड़ेगा कितना बन जाएगा, टू अल्फा बनेगा, क्या बनेगा, टू अल्फा। तो इसका कहानी समझ में आया कि यहाँ पे जो डिसोसिएट करने के बाद जो हम लोग को बनता है, तो जितना पार्टिकल्स बनता है तो सभी के बराबर ना बनेगा अल्फा, कहानी समझ में आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे मान के चलो डिसोसिएट करने के बाद कितना बना है, अल्फा बना, तो कितना पार्टिकल्स था, एन ना था, तो सभी मॉलिक्यूल के लिए तो वहाँ पे हम लोग को पार्टिकल्स वहाँ पे डिसोसिएट हुआ होगा, इसी चलते यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन से हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इतना करने के बाद अब हम लोग को तो डिसोसिएट हो गया, अब हम लोग को चाहिए आई का वैल्यू, क्या चाहिए हम लोग को, आई का वैल्यू। अब हम लोग जानते हैं कि आई का वैल्यू हम लोग क्या जाने, अभी वैल्यू फॉर्मूला के थर्ड वाला देखा डिसोसिएशन और एसोसिएशन की कहानी में, कि यहाँ पे लिखा था टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, क्या पढ़ा था, आफ्टर डिसोसिएशन, तो डिसोसिएट कर रहा है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा टोटल कितना है, अरे यही ना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ये वाला, और बिफोर वाला क्या है, ये है कि टूटने से पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना था और टूटने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, इतना हो गया। अब देखो टोटल जितना रहेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर जान गया इसका फॉर्मूला, अरे जानते हैं ना, आई का वैल्यू यहाँ पे लिख ही देते हैं, यहाँ पे लिखता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो भी लिखना है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे लिखता है क्या चीज, आफ्टर डिसोसिएशन,
और नीचे क्या लिखता है, तो यहाँ पे लिखता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे लिखता है बिफोर डिसोसिएशन, तो अभी देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएट करने के बाद कितना हो गया, वन माइनस अल्फा, और कितना हो गया एन अल्फा। तो यहाँ पे कितना पुट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे वन माइनस अल्फा और प्लस में कितना करेंगे हम लोग एन अल्फा करेंगे, तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया कि डिसोसिएट करने के बाद कितना बना, और फिर यहाँ पे देखेंगे कितना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स था कितना टूटने से पहले, तो टूटने से पहले देखो जीरो और यहाँ पे कितना वन, तो टोटल कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, कहानी समझ में आ गया। तो यहाँ से फिर इसको हम लोग अच्छा तरीके से क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले इसको लिखने से पहले तुम लोग क्या करना, इसको पहले कर लो ठीक है। अब देखो इसको ड्राइव करना है, अभी तुम्हें देखो यहाँ पे क्या वैल्यू होगा सो, तो इतना से समझ में आया कि यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा आई, आई इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखो तुम्हारा वन माइनस अल्फा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना वन माइनस अल्फा, प्लस था बीच में तो प्लस लिख दिए, यहाँ पे देखो एन अल्फा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एन अल्फा। अब हम लोग को रिलेशन निकालना था आई और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, मतलब अल्फा के वैल्यू भी निकालना पड़ेगा उधर से, तो यहाँ पर देखो तुम क्या लिखोगे, क्या आई बराबर यहाँ पे वन को रहने दो और इसको पहले लिख दो, तो यहाँ पे लिख सकते हो प्लस एन अल्फा और माइनस में क्या लिखोगे अल्फा। तो देखो इसी चीज़ को रे ताकि हम लोग का रिलेशन क्या हो थोड़ा सा अच्छा दिखे, तो ये नेगेटिव वाला को बाद में लिख दिए और ये पॉजिटिव वाला को पहले लिख दिए, बाकी तो कुछ किए नहीं थे। अब यहाँ पे देखो आई इज इक्वल टू वन रह गया प्लस क्या कॉमन निकल रहा है अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन माइनस वन और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा। तो यही होता है तुम्हारे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कहानी में, तो क्या है वांस ऑफ फैक्टर ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या रिलेशन है सो। तो इतना तुरंत अभी तुरंत ये इसको लिख लो, उसके बाद हम यहाँ पे एसोसिएशन का कहानी लिखेंगे ठीक है। जब भी यहाँ पे देखो ये क्या बताएगा परसेंटेज वगैरह दे देगा कि कितना परसेंट वो डिसोसिएट किया है, तो ये यहाँ लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुम लोग गिन सकता है एन बराबर क्या है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये तो बता ही सकता है एन कितना तुम्हारा है सो। कैसे बताओगे, अरे तो बता लोगे ना, जैसे मान के चलो एन ए सी एल लिया, ये टूट गया तुम्हारा एन ए प्लस में और क्या टूट गया तुम्हारा सी एल माइनस में। अभी तुम यहाँ पे देखो एक लिया था, तो यहाँ पर भी एक बना, यहाँ पर भी कितना बना एक, तो यहाँ पर देखो एन तुम कहाँ माना है, अरे एन तो इधर ना माना है, एन किधर माना है इधर, मतलब डिसोसिएट करने के बाद टोटल यहाँ पे कितना पार्टिकल तुम्हारा टूट रहा था, तो कितना टूट रहा है यहाँ पे एक और एक कितना टूट रहा है टू, मतलब इसके लिए एन बराबर कितना हो जाएगा टू, तो यहाँ पे टू एन के बराबर कितना बैठा देना टू बिठा देना। बाकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये सब क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कितना परसेंट वो डिसोसिएट कर रहा है कितना एसोसिएट कर रहा है, हालांकि तुम लोग को क्वेश्चन करवाएंगे तो ऑटोमेटिक तुम लोग वहाँ पे समझ जाएगा, पहले इसको तुरंत लिख लो उसके बाद तुम लोग एसोसिएशन वाला कहानी बताते हैं। अब देखो एसोसिएशन वाला कहानी में कैसे क्या करेंगे, अब इसमें तुम लोग एसोसिएशन वाला कहानी को पहले फिल कर लो। जैसे हम लोग देख रहे थे कल ही के, मतलब कि पीछे ही बताए थे तुम लोग को, जैसे एसिटिक एसिड तुम लेता था दो गो, मान के चलो एसिटिक एसिड कितना लेता था दो गो, तो इन लोग क्या करता था एसोसिएट कर जाता था, और इन लोग क्या बनाता था जैसे देखो इस तरह से सी एच थ्री सी डबल ओ एच, और ये कितना बना देता था दो गो बना देता था। तो यहाँ पर देखो ए दो गो मोल लेते थे, तो यहाँ पे कितना मोल बनाता है एक मोल बनाता है, लेकिन हाँ जितना ये है उतना यहाँ पर भी दिखाई दे रहा, मतलब यहाँ पे क्या होता है जितना वैल्यू लेता था उतना यहाँ पे चल जा रहा है, मतलब यहाँ पे जितना तुम मोल लेता है उसी का यहाँ पे क्या हो जाता है तुम्हारा आधा हो जाता है, क्या हो जाता है यहाँ पे आधा हो जाता है, इस कहानी चल रहा था यहाँ पे। तो देखो इसके अनुसार हम लोग क्या बोलेंगे इसको, जैसे हम लोग यहाँ पे मान के चलो जनरल टर्म्स में यहाँ पे एन लेकर के चल रहा है, कितना लेकर के चल रहा है एन मोल, थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि तुम लोग इसको अच्छा से पकड़ सकोगे। जैसे मान के चलो यहाँ पर जो भी तुम लेता था सॉल्यूड पार्टिकल्स यहाँ पे बहुत सारा लेता था, दो गो रहे तीन गो रहे कुछ भी लेता था, तो जितना यहाँ पे लेता था उतना ही तुम्हारा मतलब एसोसिएट करके बन जाता था, कितना होता था उतना ही एसोसिएट करके बन जाता था, और वो बनता कितना है एक मोल, कितना बनता है एक मोल, कहानी समझ में आ गया। एन मोल हम लोग लेते थे और बनता है कितना पूरा एन मोल हम लोग को बनता है, तो ये तो हम लोग को कहानी समझ में आ गया कि एन मोल लेते हैं तो बनता कितना है यहाँ पर एक मोल हम लोग को बनता था। अब देखो चूंकि अभी तुम पढ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसमें हम लोग एकक मोल यहाँ पे बनाया है, कितना बनाया हम लोग एकक मोल, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे एक मोल के जैसा बनाएंगे। तो तुम लोग को मोल कंसेप्ट चैप्टर में भी बताया था कि यहाँ पर अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो इसमें भी हम लोग को क्या होगा डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या कहानी करेंगे सो, तो हम लोग उसको वन मोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सभी से डिवाइड कर दो, इसमें कितना डिवाइड करना पड़ेगा एन से, जैसे यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से ए से बी तो अभी भी बन रहा था, यहाँ पर एन तो बन ही रहा है, अब यहाँ देखो एन वाला को क्या कर रहे हैं एक मोल बना दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक मोल, ये एक मोल कब बना होगा जब एन से डिवाइड किया होगा,
यहाँ था कितना, एक मोल, तो एक मोल को n से डिवाइड करोगे तभी तुम्हारा कितना बन जाएगा, 1/n बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 1/n बन जाएगा। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, एट टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो पे कितना निकालने जा रहे हैं, टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो पे, तो अभी देखो ये कितना एक है, कितना हम लोग को एक है, और ये हम लोग को कितना रहेगा, जीरो रहेगा, स्टार्टिंग टाइम में कितना रहेगा, वो जीरो रहेगा। अरे इसका अभी कितना पार्टिकल्स है, एक का पूरा पुरीन है, और यहाँ पे कुछ डिसोसिएट हुआ था, नहीं डिसोसिएट हुआ है। तो उसी तरह से मान के चलो कुछ समय बाद तुम देखने जाओगे, मतलब टाइम टी इज इक्वल टू टी पे, तो उस कंडीशन पे हम लोग को क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इसका कुछ परसेंट हम लोग को टूटेगा, कुछ परसेंट टूटेगा तो ये भी कुछ परसेंट हम लोग को बनेगा। तो उस समय मान के चलो वन में हम लोग को टूटा उसका कुछ, और यहाँ पे जब एसोसिएट करता है ना, तो एसोसिएशन के कहानी में अल्फा ना दिखा करके यहाँ पे क्या दिखाते हैं हम लोग, बीटा दिखाते हैं। तो यहाँ पे पता चला कि बीटा परसेंट क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग को डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होगा वो टूटेगा। देखो डिसोसिएट करना एसोसिएट कहना वो अलग बात है, लेकिन जब तक ये रिएक्टेंट टूटेगा नहीं तब तक प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। और वो डिसोसिएट करना एसोसिएट कहना अलग चीज़ है, कि यहाँ पे जितना मॉलिक्यूल होता है वो जुड़ करके यहाँ पे हम लोग को बन जाता है, वो एसोसिएशन कहलाता था। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि जितना पार्टिकल लेते थे उससे हम लोग को टूट करके नया पार्टिकल्स बन जाता था। तो ये रिएक्शंस के अंदर की बात कर रहे हैं कि इतना परसेंट वो टूटेगा तभी तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे इतना परसेंट हम लोग को क्या हुआ, इस तरह से हुआ। और यहाँ पर देखो अगर बीटा यहाँ पे टूट रहा है तो यहाँ पर बनेगा कितना, बीटा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखते थे कि कितना मोल हम लोग लेकर के चल रहे हैं, एक मोल, कितना लेकर चल रहे हैं, एक मोल। तो यहाँ पे एक से हम लोग डिवाइड मतलब इनटू करेंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1/n, तो इसमें भी मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 1/n करेंगे। क्यों, क्योंकि उतना पार्टिकल्स में हम लोग को इतना परसेंट हम लोग को एसोसिएट होके बना होगा वहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या चीज, 1/n से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना कहने हो गया। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, आई का वैल्यू निकालेंगे। आई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखते हैं क्या चीज़ में, एसोसिएशन करने पे, और नीचे हम लोग क्या करते हैं, जो बिफोर हम लोग लेते हैं वो चीज़। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 - बीटा, और क्या हो जाएगा, प्लस, इसका भी मोल को पूरा जोड़ो। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखो 1 में बीटा होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख सकते हैं beta/n, और नीचे देखो लिए कितना है, एक मोल, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा कितना, 1 मोल हो जाएगा। अब यहाँ से इसको अरेंज कर दो, अरेंज करोगे तो तुम्हारा देखो क्या कहानी हो जाएगा, आई बराबर लिखने जाओगे तो यहाँ पे देखो 1 - बीटा था, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा beta/n, और नीचे 1 था तो गैप कर दिया। अब यहाँ पर देखो इसमें भी कॉमन निकालना है, ऐसा करते हैं ना, इसको हम लोग इधर लिख देते हैं, अरे इसको इधर, तो इसके बराबर लिख सकता है आई बराबर 1 + यहाँ पे लिख सकता है beta/n, और माइनस में क्या लिख सकता है, बीटा लिख सकता है, ये चीज़ लिखेगा। अब यहाँ से बीटा को तुम कॉमन निकालो तो क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू 1 + यहाँ पे 1/n, और माइनस में 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, बीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये हम लोग को क्या हो गया यार, रिलेशन हो गया, किसके किसके बीच में, बीटा और आई के बीच में। अभी देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए, एसोसिएशन के कहानी में। तो अभी देखो अभी तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या आया था, ये तो एसोसिएशन का कहानी हो गया, डिसोसिएशन वाला कहानी क्या देखा था, आई बराबर 1 + यहाँ पे देखा है n - 1, और यहाँ पे अल्फा देखा है, और यहाँ पे क्या हो गया, 1/n हो गया। फर्क देख रहा है, 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी, प्लस यहाँ पर भी, प्लस भी यहाँ पे, माइनस है, माइनस भी, लेकिन यहाँ पर देख रहा है 1/n है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ n है, और यहाँ पे बीटा है, और यहाँ पर क्या है, अल्फा। ये दोनों एक ही चीज़ बताता है, लेकिन अल्फा बताता है डिसोसिएशन की कहानी, ये कहलाता है एसोसिएशन की कहानी बताता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो ये अभी तुम लोग फॉर्मूला को सिर्फ यहाँ पे देखो, बाकी इस लेक्चर्स को दोबारा देखना, ये कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। बाकी कल के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरा इसका कहानी को बताएंगे दोबारा, कैसे क्या हो रहा है। अरे कुछ ना कुछ ना कन्फ्यूजन तो जरूर होगा, तो वो चीज़ बताओगे कि क्या कन्फ्यूजन हुआ, क्या तुम लोग को समझ में नहीं आया, तो उसको फिर से दोबारा समझाएंगे। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग को चैप्टर्स कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन चैप्टर पूरा, ठीक है। अब हम लोग को सिर्फ बच गया इसका जितना भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स सब देखेंगे, तो ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तो वहीं पे सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा।